जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नितेश जी के स्टडी आईक्यू पर। आज का टॉपिक हमारा नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यदि आप इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न देखेंगे वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो अब बिना वक्त गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हंगरी नदी। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी हंगरी नदी है। इसके बाद नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका सही आंसर है गंडक नदी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पावती नदी कहाँ से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर है फूलों की घाटी से। पुष्पावती नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है। इसके बाद नेक्स्ट है, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है काली नदी की। मतलब पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? वो काली नदी की सहायक नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांकली बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है सुकड़ी नदी पर, जो राजस्थान पाली में है। बांकली बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? वो सुकड़ी नदी पर बनाया गया है और वो कहाँ है? राजस्थान पाली में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है सतलुज नदी पर। जो भाखड़ा नागल बांध है वो सतलुज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है सेंट लॉरेंस के। मॉन्ट्रियल शहर सेंट लॉरेंस के नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है कावेरी नदी पर। जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर हवालबाग और रामनगर कस्बे किस नदी के किनारे बसे हैं? तो इसका सही आंसर है कोसी नदी के। जो सोमेश्वर हवालबाग और रामनगर कस्बे हैं वो कोसी नदी के किनारे बसे हैं। हंगरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है तुंगभद्रा नदी की। हंगरी नदी तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर है घग्गर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने उद्गम स्थल में गंगा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है अलकनंदा नदी नाम से जानी जाती है। अपने उद्गम स्थल में गंगा अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है कोसी नदी। अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कोसी नदी प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है नील नदी पर। अफ्रीका का जो आसवान बांध है वो नील नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है कांगो नदी घाटी में। अफ्रीका की जो मूलभूत जनजाति पिग्मी है वो कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही आंसर है सोन, नर्मदा और महानदी। अमरकंठक के पठार से निकलने वाली नदियां सोन, नर्मदा और महानदी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी का। अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी? तो इसका सही आंसर है सतलज नदी की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका सही आंसर है एंडीज पर्वत। अमेजन नदी का उद्गम स्थल एंडीज पर्वत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन नदी घाटी में विषुवत रेखीय उष्णांद्र वन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सेलवास कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र कौन सी है? इसका सही आंसर है मिसिसिपी। अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र है वो मिसिसिपी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही आंसर है सरयू नदी के किनारे। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो वो सरयू नदी के किनारे है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? आंसर है ताप्ती नदी। मतलब अरब सागर में गिरने वाली ताप्ती नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो इसका सही आंसर है चंबल एवं साबरमती से। अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली से विभाजित होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर है कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम कर्णप्रयाग में होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है देवप्रयाग उत्तराखंड। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम का नाम देवप्रयाग है जो उत्तराखंड में है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर है बद्रीनाथ से। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो वो बद्रीनाथ से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट है, अलकनंदा नदी की दो सहायक प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर है पिंडार तथा मंदाकिनी नदी। मतलब अलकनंदा नदी की जो दो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? पिंडार तथा मंदाकिनी नदी। इसके बाद नेक्स्ट है, अलमत्ती बांध किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर है कृष्णा नदी पर, जो कर्नाटक में है। इसके बाद नेक्स्ट है, अलवर की उदयनाथ पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है रूपारेल नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के बांध कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर है, और नी बांध जो चिमनी नदी पर है। मतलब असम के बांध कौन कौन से हैं? तो इसके तीन बांध हैं, इडुक्की बांध जो पेरियार नदी पर है, मुल्ला पेरियार बांध वो भी पेरियार नदी पर है, और नी बांध जो चिमनी नदी पर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि बद्री नारायण मंदिर कौन सी नदी के किनारे है? तो इसका सही आंसर है सरस्वती नदी के किनारे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी घोषित हुई है? तो इसका सही आंसर है हिंडन नदी। आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो वो है हिंडन नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित होने वाली नदी कौन सी है? वो सिंधु नदी है। इसके बाद नेक्स्ट है, आर्य किस नदी को सबसे ज्यादा महत्व देते थे? तो इसका सही आंसर है सरस्वती नदी को। जो आर्य थे वो किस नदी को सबसे ज्यादा महत्व देते थे? तो वो सरस्वती नदी को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है सरस्वती नदी। आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ देश है? तो इसका सही आंसर है मरे डार्लिंग के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर है नील नदी पर, जो मिस्र में है। आसवान बांध नील नदी पर बना है, जो मिस्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति किस नदी के नाम पर हुई है? तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी के नाम पर। इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति हुई है वो किस नदी के नाम पर हुई है? तो वो है सिंधु नदी। इंडो ब्रह्मा एक है क्या? तो इसका सही आंसर है पौराणिक नदी। इंडो ब्रह्मा क्या है? यह एक पौराणिक नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जनापा पहाड़ी स्रोत है? तो इसका सही आंसर है चंबल नदी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इंदौर नदी गैर बारहमासी नदी है, ये रावली से कितने किलोमीटर की दूरी पर बहती है? तो इसका सही आंसर है 50 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है पो नदी घाटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर में पानी का स्रोत कौन कौन सी नदियां हैं? तो इसका सही आंसर है सतलज और ब्यास। मतलब इंदिरा गांधी नहर में पानी का स्रोत कौन कौन सी नदियां हैं? तो इसका सही आंसर है सतलज और ब्यास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जनापा पहाड़ी स्रोत किस नदी का है? तो इसका सही आंसर है चंबल नदी का। मतलब इंदौर के समीप स्थित जो जनापा पहाड़ी का स्रोत है वो किस नदी का है? तो इसका सही आंसर है चंबल नदी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है छिपरा के तट पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर के उत्तर में गोगुंदा का पहाड़िया वेडज का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है आयन नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरी जल विद्युत परियोजना झेलम नदी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर में। उरी जल विद्युत परियोजना झेलम नदी कहाँ स्थित है? तो वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियां थी, उनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो वो सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद में कश्मीर की किस नदी का उल्लेख हुआ है? इसका सही आंसर है मरुद्धा नदी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो इसका सही आंसर है एक बार। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो इसका सही आंसर है तीन बार। ऋग्वेद में यमुना नदी का तीन बार उल्लेख हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में रावी नदी का एक अन्य नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है यवती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो इसका सही आंसर है सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सबसे अधिक पवित्र नदी माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन नदी कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है काबुल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ओरिनोको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर थोड़ा क्या हो जाता है? तो इसका सही आंसर है ऊपर उठ जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूमि बंधित नदी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है लूनी नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? तो इसका सही आंसर है दामोदर नदी से। एडन नहर दामोदर नदी से निकाली गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजौली किस नदी में है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है यांगत्ज़ी नदी, जो चीन में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबे नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है अल्टाई पर्वत में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है? तो इसका सही आंसर है लूनी नदी। कच्छ के रण में समाहित होने वाली नदी लूनी नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछुओं की दुर्लभ प्रजाति किस नदी में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है सोन नदी में। कछुओं की दुर्लभ प्रजाति जो है वो किस नदी में पाई जाती है? तो वो सोन नदी में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटक किस नदी पर बसा है? तो इसका सही आंसर है महानदी पर। कटक महानदी पर बसा है। इसके बाद नेक्स्ट है, कडाना बांध कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है माही नदी पर, जो गुजरात में है। इसके बाद नेक्स्ट है, कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है माही नदी। कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली माही नदी है। इसके बाद नेक्स्ट है, कर्नाटक राज्य में स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर है शरावती नदी पर। कर्नाटक राज्य में स्थित जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है झेलम नदी। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी झेलम नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। कांगो नदी घाटी में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, कांठल की गंगा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है माही नदी। कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांतली नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका सही आंसर है खंडेला की पहाड़ियां सीकर। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है तेरावती क्षेत्र सीकर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकनी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है मासरुदी नदी, काकनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकनी नदी किस गांव से निकलती है? तो इसका सही आंसर है कोटरी गांव जैसलमेर राजस्थान में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काचा नदी पर 1493 मीटर लंबा चीन बांग्लादेश मैत्री पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है शेख हसीना ने। काची नदी पर 1493 मीटर लंबा चीन बांग्लादेश मैत्री पुल का उद्घाटन शेख हसीना ने किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामधेनु किस नदी को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है चंबल नदी, कामधेनु चंबल नदी को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर है काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है और धौली गंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी तुंगभद्रा घाट पहाड़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी का मुहाना स्थल बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 805 किलोमीटर। मतलब कावेरी नदी की जो लंबाई है वो लगभग 805 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक तथा तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो नदियों के संगम देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? तो इसका सही आंसर है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सर्वाधिक संख्या में नदी पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है रसिया में, 36 नदियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा से निकट होता है? तो इसका सही आंसर है नील नदी का। नील नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? आंसर है नर्मदा नदी के, नर्मदा नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपण स्थित है? तो इसका सही आंसर है सतलज नदी के, सतलज नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपण स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो इसका सही आंसर है केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है महानदी को, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है यांग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है नाइजर नदी को, नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी को, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कोसी नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है राइन नदी को, मतलब राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी को, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है महानदी को, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कावेरी नदी को, कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी को, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है कावेरी नदी को, कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को पानी के पिता के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है मिसिसिपी रिवर को, मतलब मिसिसिपी रिवर को पानी के पिता के रूप में जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है कोसी नदी को, कोसी नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी को, गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो इसका सही आंसर है गंगा नदी पर, मतलब गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी में गेवियलिस घड़ियाल बहुतायत में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है गंगा नदी में, गंगा नदी में गेवियलिस घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की दिखो नदी में मछली की एक नई खोजी गई है? तो इसका सही आंसर है नागालैंड राज्य की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है बिहार, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है मिस्र की सभ्यता को, मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है नेपाल को, नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसियारा नदी के पानी के हिस्से को लेकर भारत और किस देश ने समझौता ज्ञापन के मसौदे का अंतिम रूप दिया? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश, कुसियारा नदी के पानी के हिस्से को लेकर भारत और बांग्लादेश ने समझौता ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश में, कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर है महाबलेश्वर पहाड़ी से, मतलब कृष्णा नदी महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ पर। इसके बाद नेक्स्ट है, कृष्णा नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा नदी का मुहाना स्थल बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 1400 किलोमीटर 870 मील या 1290 किलोमीटर 800 मील अप्रोक्स, मतलब जो कृष्णा नदी की लंबाई है वो लगभग 1400 किलोमीटर 870 मील या 1290 किलोमीटर 800 मील है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो इसका सही आंसर है अलमाटी बांध, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना हुआ है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक राज्य में। कृष्णा नदी पर जो अलमाटी बांध बना हुआ है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णावती नदी हरियाणा में कौन से स्थान से प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर है जयपुर राजस्थान से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है गंगा नदी को, मतलब केंद्र सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के किस नदी को सबसे प्रदूषित नदी घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है हिंडन नदी को। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उत्तर प्रदेश की हिंडन नदी को सबसे प्रदूषित नदी घोषित किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है मंदाकिनी नदी के तट पर। केदारनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर है गंगा नदी को। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा नदी को दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत के पहले केवल स्टैंड कम सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किस नदी पर करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है कृष्णा नदी पर। केंद्र सरकार ने भारत के पहले केवल स्टैंड कम सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण कृष्णा नदी पर करने की मंजूरी दी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के बांध डैम कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है इडुक्की बांध पेरियार नदी पर, मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर और नी बांध चिमनी नदी पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। कोपली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही आंसर है हुगली नदी की। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है गोसाई धाम चोटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा का निर्धारण करता है? तो इसका सही आंसर है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो इसका सही आंसर है नर्मदा व ताप्ती। नर्मदा व ताप्ती नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नदी बंगाल का सोक कहलाती है? तो इसका सही आंसर है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का सोक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? तो इसका सही आंसर है सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? तो इसका सही आंसर है नर्मदा व सोन। नर्मदा व सोन नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी ओडिशा का सोक कही जाती है? तो इसका सही आंसर है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी ओडिशा का सोक कही जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का सोक कही जाती है? तो इसका सही आंसर है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का सोक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी नदी एक्चुअली डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर है महानदी। महानदी एक्चुअली डेल्टा नहीं बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो इसका सही आंसर है महानदी। महानदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो इसका सही आंसर है लूनी नदी। लूनी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर है अमरावती। अमरावती नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर है यमुना। यमुना नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर है बेतवा नदी। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर है मिसिसिपी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी पर। सिंधु नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है।
इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो इसका सही आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो इसका सही आंसर है दामोदर नदी बंगाल का शोक कही जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो इसका सही आंसर है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत नेपाल की सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर है काली नदी। काली नदी भारत नेपाल की सीमा बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है? तो इसका सही आंसर है कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? तो इसका सही आंसर है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही आंसर है माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी मुंगेर पहाड़ी से निकलती है? तो इसका सही आंसर है इंद्रावती नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है और ताप्ती नदी भी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मजुली बनाती है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मजुली बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तित करती है? तो इसका सही आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी सबसे ज्यादा बीहड़ बनाती है? तो इसका सही आंसर है चंबल नदी। चंबल नदी सबसे ज्यादा बीहड़ बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी है जो बिभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो इसका सही आंसर है सतलज नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो इसका सही आंसर है नर्मदा एवं ताप्ती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो इसका सही आंसर है डेन्यूब नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के बीच जल विभाजक का कार्य करती है? तो इसका सही आंसर है कैमूर श्रेणी। यह श्रेणी सोन नदी की उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वारी नदी किस जिले से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर है मुरैना जिले से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सुंदरबन का डेल्टा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? तो इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून की नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है लोहित नदी को। लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और किस नदी का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है? तो इसका सही आंसर है गोमती नदी। प्रश्न है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है यमुना इलाहाबाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश से उद्गमित है? तो इसका सही आंसर है सोन नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है गोमुख हिमनद पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो इसका सही आंसर है चापाकार।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी किन दो नदियों के मिलने पर बनती है? तो इसका सही आंसर है भागीरथी और अलकनंदा। गंगा नदी दो नदियों के मिलने पर बनती है, वो कौन कौन सी हैं? वो भागीरथी और अलकनंदा हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। गंगा नदी हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है। इसके बाद नेक्स्ट है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 2525 किलोमीटर। मतलब गंगा नदी की जो लंबाई है वो लगभग 2525 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट है, गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तर मुखी है? तो इसका सही आंसर है सोन नदी का। गंगा नदी की सहायक नदियों में सोन नदी का मार्ग उत्तर मुखी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन नदी। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन नदी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की मुख्य सहायक नदियां कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर है भागीरथी, अलकनंदा, नयार, चंद्रभागा, सोलानी और सोंग नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। मतलब गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर सही अनुक्रम यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी क्रम में गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है यमुना। गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी यमुना नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगासार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है चंबल, जो मध्य प्रदेश में है। गंगा सागर परियोजना चंबल, जो मध्य प्रदेश में है, उस पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है नेपाल में। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है गंगा नदी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है लगभग 425 किलोमीटर है। मतलब गंडक नदी की जो लंबाई है वो लगभग 425 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीरी नदी मुख्यतः कहाँ बहती है? तो इसका सही आंसर है चित्तौड़ में, बेडच की सहायक नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में मादर नदी के तट पर स्थित हड़प्पाई स्थल? तो इसका सही आंसर है रंगपुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती व भोगवा नदी के संगम पर कौन सा स्थल खोजा गया है? तो इसका सही आंसर है लोथल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश राज्य से होकर बहती है। मतलब जो गोदावरी नदी है वह महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश राज्य से होकर बहती है। इसके बाद नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है नासिक जिले के दक्षिण में, पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है त्र्यंबक गांव में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी में। मतलब गोदावरी नदी का मुहाना स्थल बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है लगभग 1465 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है मांडवी नदी के। मतलब गोवा की राजधानी जो पणजी है वह मांडवी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, घग्गर नदी कहाँ जाकर लुप्त हो जाती है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान में। घग्गर नदी राजस्थान में जाकर लुप्त हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है कालका के समीप, हिमालय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है हनुमानगढ़ राजस्थान में। घग्गर नदी का मुहाना स्थल हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी जहां से राजस्थान में प्रवेश करती है वह है? तो इसका सही आंसर है टिब्बी तहसील से हनुमानगढ़ में। इसके बाद नेक्स्ट है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है मत्स्य तुंग हिमानी। इसके बाद नेक्स्ट है, घाघरा नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है गंगा नदी।
इसके बाद नेक्स्ट है घाघरा नदी की लंबाई कितनी है, तो इसका सही आंसर है 1080 किलोमीटर, मतलब घाघरा नदी की लंबाई लगभग 1080 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है पौराणिक सरस्वती के नाम से जाना जाता है, मतलब घाघरा नदी को किसी अन्य नाम से जाना जाता है, भय पौराणिक सरस्वती के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है घोसुंडा, घोसुंडा बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है बेडच नदी चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद नेक्स्ट है चंबल नदी की लंबाई कितनी है, तो इसका सही आंसर है लगभग 1024 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश के महू के समीप जनापाव पहाड़ी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी का संगम स्थल कहाँ है, तो इसका सही आंसर है यमुना नदी। इसके बाद नेक्स्ट है चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है, तो इसका सही आंसर है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़, मतलब चंबल नदी राजस्थान में जो प्रवेश करती है वह किस जिले से प्रवेश करती है, तो वो चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चरमणवती नदी कहते हैं, तो इसका सही आंसर है चंबल को, यमुना की सहायक। इसके बाद नेक्स्ट है चाकड़ बांध स्थित है, तो इसका सही आंसर है चाकन नदी पर बूंदी में। इसके बाद नेक्स्ट है चिनाव नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका सही आंसर है बारालाचा दर्रा लाहौल स्पीति। इसके बाद नेक्स्ट है चिनाव नदी का संगम मुहाना कहाँ है, तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी। इसके बाद नेक्स्ट है चिनाव नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका सही आंसर है लगभग 1800 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनाव नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो इसका सही आंसर है झेलम रावी व सतलज, मतलब चिनाब नदी की जो सहायक नदियां हैं वह झेलम रावी और सतलज हैं। इसके बाद नेक्स्ट है चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है चंद्रभागा नाम से जाना जाता है, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है हांग हो नदी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है चिनाब नदी को किस राज्य में चंद्रभागा नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जनापा पहाड़ी किस नदी का स्रोत है, तो इसका सही आंसर है चंबल नदी का। इसके बाद नेक्स्ट है जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है, तो इसका सही आंसर है थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, मतलब जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो वह थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है स्वर्णरेखा नदी के, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जमुना नदी और पद्मा नदी किस नदी में मिलती हैं, तो इसका सही आंसर है मेघना नदी में, जमुना नदी और पद्मा नदी मेघना नदी में मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर बसा हड़प्पाई स्थल है, तो इसका सही आंसर है मांडा, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर बसा हड़प्पाई स्थल मांडा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर है अमेजन, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर सागर राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है, तो इसका सही आंसर है चंबल नदी पर, मतलब जवाहर सागर राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय चंबल नदी पर निर्मित है। इसके बाद नेक्स्ट है जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है, तो इसका सही आंसर है दामोदर नदी, जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध दामोदर नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नदी सागर तक नहीं पहुंचती और रास्ते में ही लुप्त हो जाती है, तो इसका सही आंसर है स्थलीज नदी, स्थलीज नदी, स्थलीज नदी सागर तक नहीं पहुंचती है और रास्ते में ही लुप्त हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जोग गरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है, तो इसका सही आंसर है शरावती नदी पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जौनपुर तथा लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है गोमती के तट पर, जौनपुर तथा लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है झेलम के तट पर हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है चिनाब नदी को, झेलम के तट पर हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है वरेनाग, कश्मीर के समीप शेषनाग झील में। इसके बाद नेक्स्ट है, झेलम नदी का संगम कहाँ है? तो इसका सही आंसर है चिनाब नदी। इसके बाद नेक्स्ट है, झेलम नदी किस झील से निकलती है? तो इसका सही आंसर है शेषनाग झील, श्रीनगर से। इसके बाद नेक्स्ट है, झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो इसका सही आंसर है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से। झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट है, झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है लगभग 725 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है, झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है वेरीनाग। इसके बाद नेक्स्ट है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी की। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है भागीरथी। टिहरी बांध को भागीरथी नदी से जल प्राप्त होता है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है भागीरथी और वीलंगाना नदी के, मतलब टिहरी बांध भागीरथी और वीलंगाना नदी के संगम पर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंस के बाद यमुना नदी देहरादून में किस नदी से मिलती है? तो इसका सही आंसर है आसन नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंस नदी के मिलने के बाद उत्तराखंड तथा हिमाचल का बॉर्डर बनाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है यमुना नदी। इसके बाद नेक्स्ट है, ट्रांस हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर है सिंधु, सतलज और ब्रह्मा। इसके बाद नेक्स्ट है, डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी की। इसके बाद नेक्स्ट है, तमीरा पानी नदी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु राज्य में। तमीरा पानी नदी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा। तवा नर्मदा की सहायक नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा नदी किस नदी में मिलती है? तो इसका सही आंसर है यमुना नदी से। इसके बाद नेक्स्ट है, तवा तवा नदी किसकी सहायक है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है बैतूल, मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर से। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बैतूल, मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर में है। इसके बाद नेक्स्ट है, ताप्ती नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है खंबात की खाड़ी में। ताप्ती नदी का मुहाना स्थल खंबात की खाड़ी में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 724 किलोमीटर है, मतलब ताप्ती नदी की लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर है यांग्त्सी नदी, हंग हो, पीत नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कांग नदी तथा इरावती आदि नदियां तिब्बत के पठार से निकलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश से होकर, मतलब तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो इसका सही आंसर है सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर है कृष्णा नदी की। तुंगभद्रा तथा भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा बहु प्रयोजन नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक राज्य में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो इसका सही आंसर है समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान इसलिए लगता है क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैलप द्वितीय ने
किस नदी में आत्महत्या की थी? तो इसका सही आंसर है तुंगभद्रा नदी में, तैलब द्वितीय ने तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख हुआ है जिसे 10 राज युद्ध कहा गया है, ये युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है रावी नदी के। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ था जिसे 10 राज युद्ध कहा गया है, ये युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है कावेरी नदी को। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से किस प्रकार का अपवाह तंत्र रखती हैं? तो इसका सही आंसर है वृक्ष। दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से वृक्ष की तरह अपवाह तंत्र रखती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो इसका सही आंसर है साबरमती नदी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को साबरमती नदी 2 भागों में विभाजित करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित करती है। इसके बाद नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी का। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों में गोदावरी नदी का थाला सबसे बड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है महानदी को। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा महानदी को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है अमेजन नदी। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। इसके बाद नेक्स्ट है, दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो इसका सही आंसर है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका सही आंसर है छोटा नागपुर। दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है नील नदी को दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध गंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है जम्मू एवं कश्मीर में। दूध गंगा नदी जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आप शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर है नदी की 2 शाखाओं के बीच की भूमि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहन नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती है? तो इसका सही आंसर है ढोसी की पहाड़ियों से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो इसका सही आंसर है कोसी नदी। नदियों में से एक नदी है कोसी नदी, वह विनाशक नदी कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो इसका सही आंसर है अमेजन नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का मुंह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है वह स्थान जहां कोई नदी किसी झील बड़ी नदी या सागर में प्रवेश करती है उसे नदी का मुंह कहा जाता है। मतलब वह स्थान जहां कोई नदी किसी झील बड़ी नदी या सागर में प्रवेश करती है उसे नदी का मुंह कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का वह खुला क्षेत्र जहां पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है नदी मुख कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर है पोटामोलॉजी में। विज्ञान की शाखा पोटामोलॉजी में नदियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है अमरकंटक में है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है खंबात की खाड़ी में स्थित है। नर्मदा नदी का मुहाना स्थल खंबात की खाड़ी में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, नर्मदा नदी किन प्रमुख राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद नेक्स्ट है, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है? तो इसका सही आंसर है 1077 किलोमीटर। नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई 1077 किलोमीटर है।
इसके बाद नेक्स्ट है, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है तवा नदी। नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह मध्य प्रदेश राज्य में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर मिल जाती है? तो इसका सही आंसर है गिनी की खाड़ी में जाकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका सही आंसर है कृष्णा नदी पर बनाई गई है। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है। इसके बाद नेक्स्ट है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी। नासिक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी गोदावरी नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो इसका सही आंसर है मिस्र देश। नील नदी का उपहार मिस्र देश कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका सही आंसर है गेहूं। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में गेहूं की फसल उगाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, नेपाल की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है नारायणी नदी। नेपाल की सबसे गहरी नदी नारायणी नदी है। इसके बाद नेक्स्ट है, नेपाल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है कोसी नदी। नेपाल की सबसे बड़ी नदी कोसी नदी है। इसके बाद नेक्स्ट है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है कर्णाली नदी। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही आंसर है बागमती नदी के किनारे। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के किनारे बसा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में किस नदी को शालिग्राम तथा नारायणी नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है गंडक को। नेपाल में गंडक नदी को शालिग्राम तथा नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर है कृष्णा नदी की। पंचगंगा तथा दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटौदी गुरुग्राम में जाकर इंदौरी नदी कौन सी नदी में मिल जाती है? तो इसका सही आंसर है साहिवी नदी में। पटौरी गुरुग्राम में जाकर इंदौरी नदी साहिवी नदी में जाकर मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थरों से भरी हुई कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पानी का तल क्या होगा? बही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराना तथा परागवे नदियों को संगम के बाद किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है लाप्लाटा नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही क्रम है नर्मदा, फिर ताप्ती, माही और साबरमती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 520 किलोमीटर। पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी की लंबाई 520 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में त्र्यंबक गांव से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी। पश्चिमी घाट में त्र्यंबक गांव से गोदावरी नदी निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मॉन्टगोमरी जिले में वर्तमान नया नाम साहिवाल रावी नदी के बाय तट पर कौन सा स्थल स्थित है? तो इसका सही आंसर है हड़प्पा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मॉन्टगोमरी जिले में वर्तमान नया नाम है साहिवाल रावी नदी के बाय तट पर जो स्थान स्थित है, स्थल स्थित है, वह हड़प्पा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णता राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो इसका सही आंसर है बनास नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनार की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर है पापाधनी एवं चित्रावती। पेनार की सहायक नदियां पापाधनी एवं चित्रावती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है नंदीदुर्ग पहाड़ी कर्नाटक में। पेनार नदी का उद्गम स्थल नंदीदुर्ग पहाड़ी कर्नाटक में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनार नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी में। पेनार नदी का मुहाना स्थल बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनार नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 597 किलोमीटर। पेनार नदी की लंबाई 597 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है सीन नदी के तट पर। पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ब्यास, तलवारा, पंजाब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है परुषणी नदी के तट पर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? तो इसका सही आंसर है सिंधु और झीलम नदी के। प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे बसा था? तो इसका सही आंसर है रावी नदी के किनारे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है 2 भागों में, पूर्वी प्रवाह वाली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेनार नदी, कावेरी नदी और वैगाई नदी। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर अनुक्रम महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेनार नदी, कावेरी नदी एवं वैगाई नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करने वाली गोदावरी नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी। इसके बाद नेक्स्ट है, फुलानी, फिलहा, जेकारू और मसाई कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती है? तो इसका सही आंसर है फिलहा जनजाति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है गेरून नदी के तट पर। इसके बाद नेक्स्ट है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दामोदर नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर है टिग्रिस नदी के। बगदाद शहर टिग्रिस नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? तो इसका सही आंसर है हुगली नदी क्षेत्र में। जूट की खेती बड़े पैमाने पर हुगली नदी क्षेत्र में की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है अलकनंदा नदी के तट पर। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, बराकर, बराकर किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है दामोदर नदी की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है यमुना नदी के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी यमुना नदी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांडी नदी का पानी किससे गिरता है, किसमें गिरता है? तो इसका सही आंसर है फाय सागर अजमेर में। इसके बाद नेक्स्ट है, बिंदार नदी के तट पर स्थित हड़प्पाई स्थल कौन सा था? तो इसका सही आंसर है बालाकोट। बिंदार नदी के तट पर स्थित हड़प्पाई स्थल बालाकोट था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कोसी नदी को। यह मार्ग परिवर्तित करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 445 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक में हुआ है? तो इसका सही आंसर है सोन नदी का। बिहार में बहने वाली नदियों में से सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर नहर किस नदी से निकाली गई है? तो इसका सही आंसर है सतलुज नदी से। बीकानेर नहर सतलुज नदी से निकाली गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसलपुर बांध स्थित है? तो इसका सही आंसर है बनास नदी पर टोंक में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है विंध्याचल पर्वत में। बेतवा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी का संगम
संगम स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है यमुना नदी में। बेतवा नदी का संगम स्थल यमुना नदी में है। प्रश्न से, बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 480 किलोमीटर। बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुवनसेरी, कामेंग, धनसिरी। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां सुवनसेरी, कामेंग नदी, धनसिरी नदी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तो इसका सही आंसर है मानसरोवर झील के पास, चीमा, युंग, ढुंग, हिमनद से। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास, चीमा, युंग, ढुंग, हिमनद से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहां से हुआ है? तो इसका सही आंसर तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी किन प्रमुख राज्यों से निकलती है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के प्रमुख अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी किस झील से निकलती है? तो इसका सही आंसर है चेमलुंगडुंग, मानसरोवर झील से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 2900 किलोमीटर। भारत में 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है असम राज्य में। ब्रह्मपुत्र नदी की सर्वाधिक लंबाई भारत के असम राज्य में है। इसके बाद नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर है दिबांग, लोहित, कमेंग, मानस। ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां दिबांग, लोहित, कमेंग और मानस नदी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर है दिबांग, लोहित, कमेंग, मानस, तीस्ता, सुवनसिरी, बराक, कपिली आदि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं वो दिबांग, लोहित, कमेंग, मानस, तीस्ता, सुवनसिरी, बराक, कपिली आदि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी को नर नदी क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस नदी को ब्रह्म देवता का पुत्र कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत चीन में किस नाम से जानी जाती है एवं भारत में प्रवेश करने पर अरुणाचल प्रदेश में क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत चीन में सांगपो नाम से जानी जाती है और भारत में प्रवेश करने पर अरुणाचल प्रदेश में हिदिहांग कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर है तिब्बत चीन से प्रवाहित होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर सतलुज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर में है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी किस स्थान से निकलती है? तो इसका सही आंसर है गोमुख से निकलती है। भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत का नील नदी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। भारत का नील नदी ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर जोग या गरसोप्पा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है गंगा नदी का बेसिन। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा नदी का बेसिन है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो इसका सही आंसर है माही नदी। भारत की माही नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दामोदर नदी को। भारत की दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। भारत की नर्मदा नदी अंततः अरब सागर में गिरती है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी उल्टी बहती है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। भारत की नर्मदा नदी उल्टी बहती है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो इसका सही आंसर है माही नदी। भारत की माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है।
इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी का पानी कांच की तरह शुद्ध है? तो इसका सही आंसर है उमगोंट नदी का। भारत की उमगोंट नदी का पानी कांच की तरह शुद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण की ओर की नदियों का। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा और ताप्ती नदी। भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो इसका सही आंसर है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गंगा नदी। भारत की पवित्र नदी गंगा नदी है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, वह किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर है शिव समुद्रम परियोजना, जो कावेरी नदी पर स्थित है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम परियोजना है और वह कावेरी नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख नदियां कितनी हैं? तो इसका सही आंसर है 35 नदियां हैं। भारत की प्रमुख नदियां 35 नदियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गंगा नदी। भारत की प्रमुख नदी गंगा नदी है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गंगा नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है लूनी नदी। भारत की लवण नदी से नाम से जाने जाने वाली नदी लूनी नदी है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है कृष्णा नदी, दक्षिण भारत में स्थित है। भारत की कृष्णा नदी एक ऐसी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं, जो दक्षिण भारत में है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है गंगा नदी। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की शोक नदी किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है कर्मनाशा नदी को। भारत की कर्मनाशा नदी को शोक नदी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की सबसे अधिक नौगंप दो नदियां हैं? तो इसका सही आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की सबसे खतरनाक नदी किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है विश्वामित्र नदी को। भारत की सबसे खतरनाक नदी विश्वामित्र नदी को माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है भागीरथी और अलकनंदा नदी। भारत की सबसे गहरी नदियां भागीरथी और अलकनंदा नदी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है अरवरी नदी, जो राजस्थान में बहती है। भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी नदी है, जो कि राजस्थान में बहती है। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गंगा नदी। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जल की मात्रा के हिसाब से नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी जल की मात्रा के हिसाब से ब्रह्मपुत्र नदी है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका सही आंसर है भाखड़ा। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका सही आंसर है भाखड़ा नागल परियोजना। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गंगा नदी। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गंगा नदी। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाक बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है चिनाब नदी पर। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहां आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो इसका सही आंसर है माही नदी। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में जूट की खेती का सघन डेल्टा क्षेत्र किस नदी का है? तो इसका सही आंसर है गंगा नदी का। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में डेल्टा बनाने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर है कावेरी नदी, गंगा नदी और माही नदी। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में नदियों को मुख्य रूप से कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है दो हिमालय नदियां तथा प्रायद्वीपीय नदियां, हिमालय नदियां, सिंधु नदी तंत्र। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया?
तो इसका सही आंसर है दामोदर नदी पर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गंगा नदी। भारत में येरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है भारत में येरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ती वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है हुगली नदी। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में स्थित सभी नदियों में से किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी का। भारत में स्थित सभी नदियों में से गोदावरी नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में हिमालय की नदियों में सबसे लंबी पश्चिमी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है लूनी नदी। इसके बाद नेक्स्ट है, भृंगना की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर है दूध गंगा नदी, बाल गंगा नदी और धर्म गंगा नदी। इसके बाद नेक्स्ट है, भीमताल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है मांगली नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महानदी का अवसा क्षेत्र कितना है? तो इसका सही आंसर है 132,000 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महानदी का अवसा क्षेत्र 132,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में किस नदी का सबसे बड़ा पुल बना है? तो इसका सही आंसर तवा नदी पंचमढ़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी कहां से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदाकिनी नदी चोरावाड़ी ताल से निकलती है। सोन प्रयाग में काली गंगा इससे मिलती है। रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर ये अलकनंदा से मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है केदारनाथ में। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल केदारनाथ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरे डार्लिंग नदी किस सागर में गिरती है? तो इसका सही आंसर है दक्षिणी महासागर में गिरती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरे डार्लिंग नदी किस देश में बहती है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया में बहती है। इसके बाद नेक्स्ट है, महानदी कहाँ से प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर है बस्तर ओडिशा से प्रवाहित होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका सही आंसर है महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिबाहा पहाड़ी से हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है, महानदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 890 किलोमीटर। महानदी की लंबाई 890 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश के रामपुर के सिहवा के समीप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी कटक के समीप स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, महानदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर 858 किलोमीटर। महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित नर्क कातारित तीर्थ कौन सी नदी के किनारे है? तो इसका सही आंसर है सरस्वती नदी के किनारे। इसके बाद नेक्स्ट है, मानस किस नदी की उपनदी है? तो इसका सही आंसर ब्रह्मपुत्र नदी की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी की। इसके बाद नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है सेंट्रल लॉरेंस नदी के। मॉन्ट्रियल शहर सेंट्रल लॉरेंस नदी के किनारे तट पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है अरुणा नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ की पहाड़ियों से निकलती है? तो इसका सही आंसर है शिवालिक की पहाड़ियों से। मारकंडा नदी हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट है, माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है विंध्याचल पर्वत की श्रेणी। इसके बाद नेक्स्ट है, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है 56 का मैदान, बांसवाड़ा व डूंगरपुर, वागल व कांठल की गंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है खंबात की खाड़ी में। माही नदी का मुहाना स्थल खंबात की खाड़ी में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, माही नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 560 किलोमीटर। माही नदी की लंबाई 560 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट है, माही नदी घाटी परियोजना का फैलाव किस क्षेत्र में है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान व गुजरात में।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र का वरदान किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है नील नदी को। मिस्र का वरदान नील नदी को कहा जाता है। प्रश्न है, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो इसका सही आंसर है नील नदी के किनारे। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है, मिरत नदी किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है घग्गर नदी को। मिरत नदी घग्गर नदी को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, मेंथा नदी मुख्यतः कौन से जिले में बहती है? तो इसका सही आंसर है जयपुर में, नागौर में भी। मेंथा नदी मुख्यतः जयपुर में बहती है और नागौर में भी बहती है। इसके बाद नेक्स्ट है, मेकांग नदी किस सागर में जाकर गिरती है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण चीन सागर में गिरती है। मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर में गिरती है। इसके बाद नेक्स्ट है, मेजा बांध स्थित है? तो इसका सही आंसर है कोठारी नदी पर भीलवाड़ा। मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ जिले हिंडन नदी पर स्थित हड़प्पाई स्थल है? तो इसका सही आंसर है आलमगीरपुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किस नदियों के किनारे हुआ था? तो इसका सही आंसर है दजला और फरात नदी। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास दजला और फरात नदियों के किनारे हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है, मैकेंजी नदी कहां से निकलती है? तो इसका सही आंसर है ग्रेट स्लेव झील से। मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है कावेरी नदी पर बनाया गया है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदर नदी निकलती है? तो इसका सही आंसर है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट है, मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही आंसर है टांगरी नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादी नदी के बेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी परिवहन शक्ति कितने गुना हो जाएगी? तो इसका सही आंसर है 64 गुना हो जाएगी। यादी नदी के बेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके परिवहन की शक्ति 64 गुना हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री में हिमानी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज गंगा नदी में। इसके बाद नेक्स्ट है, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 1376 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। यमुना नदी गंगा में इलाहाबाद में जाकर मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी यमुनोत्री नदी से कहां से निकलती है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड से। यमुना नदी यमुनोत्री से उत्तराखंड से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा के पूर्व सीमा में बह जाती है, यह हरियाणा से कौन से राज्य को अलग करती है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा में कहां से यमुनानगर के पास से प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर के कौन से स्थान से प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर है ताजेवाला बैराज से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइन नदी। यूरोप की राइन नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे खूबसूरत नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइन नदी। यूरोप की सबसे खूबसूरत नदी राइन नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे छोटी नदी किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्ला रिवर को, मतलब अम्ला नदी को यूरोप की सबसे छोटी नदी माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है बोल्गा नदी। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी बोल्गा नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है बेतवा नदी पर। राजघाट बांध बेतवा नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज से और ब्यास से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की 12 मासी नदियां है? तो इसका सही आंसर है चंबल और माही नदी। राजस्थान की 12 मासी नदियां चंबल और माही नदी है। इसके बाद नेक्स्ट है, राजस्थान की मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है चंबल नदी। राजस्थान की मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाली नदी चंबल नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में यू टर्न लेने वाली नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माही नदी। डूंगरपुर व बांसवांडा खंबा की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अवनाली का अपरदन सर्वाधिक किस नदी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल से सतही जल सर्वाधिक बिहड़।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है काली नदी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के सबसे पूर्वी भाग में बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है काली शारदा नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा तथा पराग्वे नदियों को संगम के बाद किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है लापलाटा नदी के नाम से जाना जाता है। राणा तथा पराग्वे नदियों को संगम के बाद लापलाटा नदी नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी कहां से निकलती है? तो इसका सही आंसर है रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो इसका सही आंसर है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो इसका सही आंसर है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 725 किलोमीटर। रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है बोलगा नदी। रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी बोलगा नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल नदी किस देश से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर है वियतनाम से। लाल नदी वियतनाम देश से होकर बहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीला नदी किस सागर में जाकर गिरती है? तो इसका सही आंसर है लापटेव सागर में गिरती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो इसका सही आंसर है कच्छ के रण में गिरती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम स्थल किस शहर में सबसे अधिक पास पड़ता है? तो इसका सही आंसर है अजमेर शहर के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर 450 किलोमीटर। लूनी नदी की लंबाई 450 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन की आशा नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है बनास। वन की आशा नाम से प्रसिद्ध नदी बनास नदी है। इसके बाद नेक्स्ट है, वह कौन सी एकमात्र नदी है जो द्वीप माजुली द्वीप बनाती है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागड़ की गंगा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है माही नदी को। बागड़ की गंगा माही नदी को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर तुंगभद्रा नदी के। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, विदिशा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही आंसर है बेत्रावती नदी के किनारे स्थित था। इसके बाद नेक्स्ट है, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। इसके बाद नेक्स्ट है, बिभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब विश्व का एक ऐसा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा किन दो नदियों के द्वारा निर्मित होता है? तो इसका सही आंसर है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो इसका सही आंसर है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बांध किस नदी में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यांगटजरे रिवर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कौन सी नदी सबसे अधिक गहरी है? तो इसका सही आंसर है कांगो नदी जो 720 फीट गहरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है अमेजन नदी। विश्व की सबसे दूसरी लंबी नदी अमेजन नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हांगहो नदी को।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है अमेजन नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर रॉय रिवर। विश्व की सबसे छोटी नदी रॉय नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्रसिद्ध नदी किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यांग्त्ज़े जे रिवर को माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन नदी किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील नदी को माना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन नदी नील नदी को माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी नदी का संगम या मुहाना कहाँ है? तो इसका सही आंसर है चिनाब नदी पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो इसका सही आंसर है नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन वे दो प्रमुख नदियां हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी नदी का उद्गम स्रोत है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। बेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य की बहुचर्चित नदी जो राजस्थान में बहती है? तो इसका सही आंसर है घग्गर सरस्वती नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैनगंगा और पैनगंगा किस की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी की। बैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलगा नदी कहाँ गिरती है? तो इसका सही आंसर है कैस्पियन सागर में गिरती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है रोहतांग दर्रे के समीप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी का संगम मुहाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है सतलज नदी पर। इसके बाद नेक्स्ट है, ब्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिपासा या अर्गिकिया नाम से जाना जाता है। ब्यास नदी को बिपासा या अर्गिकिया नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर है मारकंडा नदी के। शाहबाद मारकंडा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है चंबल नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है कावेरी नदी के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरगढ़ अभ्यारण स्थित है? तो इसका सही आंसर है बारा में परवन नदी पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक ने बितस्ता नदी के तट पर। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने बितस्ता नदी के तट पर की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो इसका सही आंसर है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियां बनाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है नील नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो इसका सही आंसर है अमेजन नदी की। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा अमेजन नदी की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी कहां से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राकास ताल झील से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी का संगम कहां है? तो इसका सही आंसर है चिनाब नदी। सतलज नदी का संगम स्थल चिनाब नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 1050 किलोमीटर। सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1500 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ब्यास नदी। सतलज नदी की सहायक नदी ब्यास नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील के समीप स्थित राकास ताल से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पाई स्थल है? तो इसका सही आंसर है रोपड़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है कोसी नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दामोदर नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है सरस्वती नदी को।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर है माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर है महानदी पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है यमुना नदी, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था से होता है? तो इसका सही आंसर है वृद्धावस्था से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है गुजरात राज्य में। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है और जो गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती नदी को सुरक्षा देने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन से विकास बोर्ड का गठन किया है? तो इसका सही आंसर है कृष्णावती नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है? तो इसका सही आंसर है सतलुज नदी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक बीहड़ एवं कंदराय किस नदी क्षेत्र में है? तो इसका सही आंसर है चंबल नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगवो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है जयपुर जिले का दक्षिण पश्चिमी भाग, अरावली पर्वत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है कच्छ का रण क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद शहर के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 416 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिबी नदी के द्वारा हरियाणा में कौन कौन से जिलों में सिंचाई की जाती है? तो इसका सही आंसर है गुरुग्राम और रेवाड़ी में। साहिबी नदी के द्वारा हरियाणा में गुरुग्राम और रेवाड़ी जिलों में सिंचाई की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी कहाँ जाकर समाप्त हो जाती है या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरब सागर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है तिब्बत चीन में मानसरोवर झील के पास स्थित सानुखाब हिमनद ग्लेशियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका सही आंसर है कैलाश पर्वत मानसरोवर झील। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी किन किन देशों में बहती है? तो इसका सही आंसर है भारत चीन और पाकिस्तान में। सिंधु नदी भारत चीन और पाकिस्तान देशों में बहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झेलम चिनाब रावी ब्यास और सतलज। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां झेलम चिनाब रावी ब्यास और सतलज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यांगहो नदी किसमें गिरती है? तो इसका सही आंसर है पीला सागर में गिरती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो इसका सही आंसर है मूसी नदी के तट पर बसा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी के साथ रहने वाली सहायक नदियां जम्मू कश्मीर की कौन कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गरतांग सियोक सिगार निबरा और गिलगित नदियां। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण। सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, के अनुसार भारत सिंधु नदी से कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो इसका सही आंसर है 20%। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी से 20% जल का प्रयोग कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र सिंधु नदी राजस्थान पूर्वी पंजाब हरियाणा गुजरात और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी कहां से निकलती है? तो इसका सही आंसर है बोखर चू हिमनद से कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो इसका सही आंसर है कैलाश पर्वत माला से होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम किस झील से हुआ है? तो इसका सही आंसर है मानसरोवर झील से हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है मानसरोवर झील में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मानसरोवर झील तिब्बत चीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 2880 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर है सतलज नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 709 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है सिंगी खम्बन या लायंस माउथ। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी
कंबन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखड्ड का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है गिलगित, जो 5200 मीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु प्रवाह तंत्र की कौन सी नदी शेषनाग झील से निकलकर बुलर झील में मिलती है? तो इसका सही आंसर है झेलम नदी। सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर ताप्ती नदी के, सूरत शहर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है गंगा नदी पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो इसका सही आंसर है पटना के निकट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 780 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही आंसर है बिछामेड़ा पहाड़ी उदयपुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है रावी नदी के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथनी कुंड बैराज का संबंध कौन सी नदी से है? तो इसका सही आंसर है यमुना नदी से। हरियाणा की सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है यमुना नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में इंदौरी नदी कहाँ की पहाड़ियों से निकलती है? तो इसका सही आंसर मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में खुला नाला कौन सी नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है यमुना नदी को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में घग्गर नदी कौन से जगह से प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर है कालका पंचकुला से प्रवेश करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मारकंडा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है टागरी नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मौसमी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है घग्गर नदी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सिंचाई की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है यमुना नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कहाँ की पहाड़ियों से सरस्वती नदी निकलती है? तो इसका सही आंसर है सिरमौर की पहाड़ियों से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, हीरा कुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।